गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेशन 14, जिसका नाम है बिहेवियर्स। बिहेवियर्स क्या है? बिहेवियर्स आर प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट दैट एड इंटरेक्टिविटी टू ए वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिस्प्ले ए टिप व्हेन ए विजिटर मूव्स द माउस ओवर ए पार्टिकुलर टेक्स्ट। बिहेवियर क्या है आपका? एक पहले से डिफाइन की हुई स्क्रिप्ट होती है आपके वेब पेज में इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए। उदाहरण के तौर पे, आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करने वाला विजिटर जब किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट पे या इमेज पे या फिर किसी भी कंटेंट पे वो माउस मूव करता है, तो उस टाइम कोई इवेंट अकर हो, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करे, कोई म्यूजिक प्ले हो जाए, कोई यूआरएल खुल जाए, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हम किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करते। हमारा गलती से उस लिंक पे जब पॉपअप पे माउस चला जाता है, हमारे वहाँ पे माउस की मूवमेंट करते ही वो वीडियो जहाँ प्ले कर लेता है, जहाँ वो लिंक खुल जाता है। ऐसा ही आज हम करना सीखेंगे, वो कैसे पॉसिबल है। और ये हम आज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब की हेल्प से। यू कैन क्रिएट बिहेवियर विदाउट राइटिंग एनी जावास्क्रिप्ट कोड एंड गेट ए लिमिटेड लेवल्स ऑफ फंक्शनैलिटी। आप ये बिहेवियर्स बिना कोई स्क्रिप्टिंग कोड लिखे, बिना जावास्क्रिप्ट का कोड टाइप किए, राइट किए आप कर सकते हो, और इसमें आप लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्राप्त कर सकते हो। और यू नीड टू यूज जावास्क्रिप्ट कोड फॉर एडवांस फंक्शन। हाउएवर, यू कैन यूज द बिल्ट इन बिहेवियर फंक्शन टू अचीव मोस्ट सिंपल टास्क सच एज। अगर आपने और ज़्यादा आपको इफेक्टिव फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ करना होगा। लेकिन हम सिंपल फंक्शन है जो हम एक्सप्रेशन वेब की में यूज़ कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसा कि डबल क्लिक इवेंट होगी, क्लिक कर इवेंट होगी, जहाँ हमारी माउस ओवर इवेंट होगी। ठीक है, पहला हम देखते हैं ऑन क्लिक। जब हम किसी भी कंटेंट पे क्लिक करते हैं, तो उस टाइम आपका बिहेवियर क्या रहे, उस टाइम क्या इवेंट अकर हो। क्लियर? हम इसको प्रैक्टिकली ही देखेंगे सारे को फुली, और हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। पहला हमारा है ऑन क्लिक इवेंट। हम इसको समझने के लिए हम एक नया HTML का पेज ओपन करेंगे, और इसको ज्यादा ही समझने के लिए हम इसमें कोई इमेज इंसर्ट करेंगे। हमने यहाँ से इमेज इंसर्ट कर लो, कैसे भी कर लो, एक ही बात है। हमने यहाँ से कोई इमेज हम इंसर्ट करते हैं। हमने कोई भी यहाँ से इमेज यहाँ से इंसर्ट कर ले, फॉर एग्जांपल। ओके, इसको हमने इसको इमेज को सिलेक्ट करना है। फिर ये आपका टूल बॉक्स होता है, यहाँ पे पहले ऑलरेडी हमारा ओपन है, लेकिन जो ओपन होता कहाँ से है, फॉर्मेट मेनू में जाकर आपने बिहेवियर पे क्लिक करना है। फिर ये आपका टूल बॉक्स जहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमने इमेज अपनी सिलेक्ट है, फिर हमने आफ्टर सिलेक्ट इमेज, जब जो भी आपका कंटेंट जिस पे आपने बिहेवियर ऐड करना है, कोई इवेंट ऐड करनी है, तो उसको आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है। हमने ले लिया प्ले साउंड, मीन्स हमारा म्यूजिक प्ले हो। हमने इसको ओके कर दिया। अपना म्यूजिक कौन सा, उसका हमने यूआरएल देना है म्यूजिक का जो प्ले होगा। मैंने ये वाला जज्बे वाला ये सॉन्ग मैंने मेरे पास पड़ा था, मैंने इसको ऐड कर दिया और इसको ओके कर दिया। और इसकी इवेंट बाय डिफॉल्ट के ऑन क्लिक आ रही है। इसको आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, ऑन माउस जो भी चाहो कर सकते हो। मैंने ऑन क्लिक कर दिया इसको। क्लियर? और फिर जब सेट तब आएगा। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा, मैं इसको सेव कर दिया, सेव इसको कर दिया।
अब इसकी मैं आउटपुट देखने के लिए F12 प्रेस करूंगा, चल गया हमारा। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो म्यूजिक प्ले होगा। क्लियर? देखो यहां पे हमारा कहीं भी हमने सॉन्ग डिस्प्ले नहीं कर रहा, हमने जस्ट इमेज पे क्लिक किया तो हमारा सॉन्ग प्ले हो गया। इस तरह आप और भी काफी इसी तरह आप इवेंट्स इसमें बिहेवियर इसमें ऐड कर सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा, हमारा भी ऑन क्लिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है माउस ओवर, जब हम माउस अब मूव करें तो पॉप अप वहां पे शो हो, हम इसी इमेज पे करेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, सेलेक्ट है हमारी इमेज, हमने कर दिया पॉप अप मैसेज, यहाँ लिख दिया, मैसेज में शो कर दिया, क्लिक ऑन इमेज और लिसन म्यूजिक, ओके कर दिया। इसको अपन यहाँ से क्या करना है, माउस ओवर चूज कर लेना, यहाँ से माउस ओवर होएगा, ऑन माउस मूव, जब माउस ओवर पे कर लो, ठीक है, कर दिया अपन ने माउस ओवर। इसको फिर सेव कीजिए, फिर इसकी आउटपुट के लिए F12 प्रेस कीजिए, चलेंगे। अब कुछ देखो, हमारा जो माउस है इमेज पे मूवमेंट नहीं है, साइड पे या तो कुछ दिखा नहीं, इमेज पे जाएंगे तो दिखा देगा, दिखा दिया, क्लिक ऑन द इमेज फॉर लिसन म्यूजिक। क्लियर? ये हमारा सेकेंड इवेंट भी हो चुका। और थर्ड है हमारा रिट्रैक्ट। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी लिंक पे मूवमेंट करते हो, क्लिक करते हो, आपके क्लिक करते ही अदर लिंक खुल जाते हैं कोई। क्लियर? हम उसके लिए भी हम प्रैक्टिकली ही करेंगे, उसको बहुत ही आसान है। हम इसके लिए और एक नया पेज लेंगे, अच्छे समझने के लिए न्यू पेज लिया HTML का, नया पेज हमने इस पर क्रिएट कर दिया। इस पर भी हम कोई इमेज इंसर्ट करेंगे, हमें समझना आसान रहेगा हमारे लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये चुकी है, ओके, ये हमने इसमें इमेज इंसर्ट कर लिया। क्लियर? हमने इस इमेज को सिलेक्ट है, हमारी ये वाली इमेज तो थोड़ा छोटा, चलो इससे चल लेगा, सिलेक्ट है हमारी इमेज। हमने इस पे इंसर्ट पे गए, हमने यहाँ से ले लिया गो टू URL वाला रिट्रैक्ट, कहीं और लिंक पे चला जाए। लेकिन हमारा कौन से लिंक पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्राउजर में जाएंगे, ये हमारा YouTube वाला URL हम कॉपी कर लेंगे, ये मेरे पास ओपन है, ठीक है। क्लियर? कॉपी कर लिया मैंने इसको, स्पेशल वेब में चले गए, यहाँ मैंने वो URL दे दिया, पेस्ट कर, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको ओके कर दिया मैंने। अब ऑन माउस ओवर एज ए हमने इसको डबल क्लिक कर देते हैं, हमने इस पर डबल क्लिक, ये वाला थर्ड वाला ले लिया और इसको मैंने सेव कर दिया .html के नाम से, और इसको मैंने ओके कर दिया। और फिर मैं आउटपुट के लिए F12 पे गया, ये हमारा इमेज खुली हुई है, बड़ी इमेज है, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली वहाँ पे चला जाऊँगा, देखिए। क्लियर? और ये हमारे इतने तीन ही हमारे मेजर टॉपिक थे बिहेवियर्स के, और भी बहुत से हैं इसके अंदर, आप अपने यूज़ के हिसाब से कर सकते हो। ये आपकी सभी इवेंट्स के नाम दे रखे हैं, ऑन डेटा बाइंडिंग, ऑन डबल क्लिक, ऑन डिस्पोज्ड, ऑन इनिशियलाइज, ऑन की डाउन, मतलब उसको ओपन होते ही, ऑन की प्रेस, ऑन की अप, जो आप इसमें से अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कोई भी आप इसमें इवेंट चूज कर सकते हो। और इसके अंदर बिहेवियर ये दे रखे हैं आपके, कोई सा प्लेट सेट टेक्स्ट कर दो, पॉप अप इमेज, इमेज प्रीलोड कर दो, पापा मैसेज दे दो, प्ले साउंड, ओपन ब्राउजर विंडो, जो आप चॉइस में से आप कर सकते हो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।